बीए पाठ तृतीय संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र तर्क संग्रह भारतीय दर्शन दृश्यते अनेन इति दर्शनम् अर्थात जिसके द्वारा परम तत्व का साक्षात्कार किया जाता है उसे दर्शन कहते हैं। युक्ति पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने का नाम ही दर्शन है। भारतीय दर्शन का चरम लक्ष्य मानव के समस्त दुखों का विनाश एवं स्थायी सुख प्राप्ति स्वरूप मोक्ष है। भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन के अतिरिक्त सभी दर्शनों का ध्येय आध्यात्म परक है। भारतीय दर्शन की विचारधाराओं को दो रूपों में विभक्त किया गया है, आस्तिक दर्शन तथा नास्तिक दर्शन। जन सामान्य आस्तिक शब्द का अर्थ ईश्वरवादी तथा नास्तिक शब्द का अर्थ अनीश्वरवादी करता है, किंतु प्राचीन काल में से दार्शनिक क्षेत्र में दोनों ही शब्द बिनार्थ द्योतक माने जाते हैं। आस्तिक शब्द वेद के अनुयायी तथा नास्तिक शब्द वेद विरोधी के लिए प्रयुक्त होता आया है। न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, मीमांसा वेदांत ये वैदिक एवं आस्तिक दर्शन है। इन्हें षड दर्शन भी कहा जाता है। वेद विरोधी होने के कारण चार्वाक, जैन तथा बौद्ध दर्शन नास्तिक कहे जाते हैं। प्रस्तुत ग्रंथ तर्क संग्रह के विषय में विवरण। भारत में बौद्ध धर्म के पतन के बाद भारतीय इतिहास के एक नवीन युग का प्रारंभ हुआ, जिसका प्रभाव भारतीय संस्कृति के अन्य भागों की भांति दार्शनिक क्षेत्र पर भी पड़ा और न्याय साहित्य के निर्माण में उसने एक नवीन प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न कर दिया। 10वीं और 11वीं शताब्दियां इस परिवर्तन का संक्रांति काल थी। उनमें निर्माण होने वाले न्याय साहित्य की शैली भी बदली हुई है और 12वीं शताब्दी में तो उसमें अत्यधिक परिवर्तन हो गया है। इसलिए इस काल के न्याय साहित्य को नव्य न्याय के नाम से कहा जाता है। अन्नम भट्ट तर्क संग्रह के रचयिता हैं। नव्य न्याय की विशेषताओं में से प्रथम विशेषता यह है कि उसमें प्राचीन सूत्र पद्धति की उपेक्षा करके स्वतंत्र रूप से ग्रंथों का निर्माण प्रारंभ किया गया। नव्य न्याय पद्धति की दूसरी विशेषता है पदार्थों के महत्व में आपेक्षिक परिवर्तन। न्याय के षोडश पदार्थों में से जिनका महत्व प्राचीन पद्धति में अधिक था वह नव्य युग में बहुत कम हो गया है और जिनका महत्व कम था उनका बढ़ गया है। नव्य न्याय की तीसरी विशेषता है प्रकरण ग्रंथ। प्रकरण ग्रंथ एक पारिभाषिक शब्द है जिसका लक्षण इस प्रकार है, शास्त्रेक देश संबंधम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चितः, पराशर उपराण अध्याय 28। अर्थात शास्त्र के एक अंश के प्रतिपादक और आवश्यकता अनुसार अन्य शास्त्र के उपयोगी अंश को
भी प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ भेद को प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। तर्क संग्रह में भी आनंद भट्ट ने प्रारंभ में वैशेषिक दर्शन के सात पदार्थों का विवेचन किया है और बुद्धि नामक गुण के विवेचन में न्याय दर्शन के चारों प्रमाणों का विवेचन कर दिया है। न्याय दर्शन के अन्य पदार्थों का समावेश वैशेषिक दर्शन के किन किन पदार्थों में किया गया है, इसका विवेचन इस ग्रंथ के उद्देश्य प्रकरण व्याख्या में किया गया। कनाद के सात पदार्थों में गौतम के 16 पदार्थों का अंतर्भाव निम्नानुसार समझा जा सकता है। पहला पदार्थ है द्रव्य। प्रत्यक्ष आत्मा शरीर इंद्रिय मन प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत हेतुभास। का अंतर्भाव किया गया है। गुण पदार्थ में अनुमान उपमान शब्द गंध रस स्पर्श शब्द प्रवृत्ति दोष प्रेत्य भाव सुख दुख संशय अव्यव तर्क निर्णय जल्प विदंता छल जाति प्रत्यज्ञान्तर प्रतिज्ञा विरोध हेतवंतर अर्थांतर निरर्थक अविज्ञातार्थ अपार्थक अप्राप्त काल न्यून अधिक पुनरुक्त विषेप मतानुज्ञा विरनुज्य निरोग। तीसरा है अभाव। अपवर्ग प्रतिज्ञा हानि प्रतिज्ञा संसार अननुभाषण अप्रतिज्ञा परे नियोज्योक्षण अपसिद्धांत। समान तंत्र होने से वैशेषिक दर्शन में वर्णित सात पदार्थ न्याय दर्शन में भी मान्य है। यद्यपि न्याय सूत्रकार महर्षि गौतम प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अव्यव तर्क निर्णय वाद जल्प विदंता हेतवाभास छल जाति और निग्रह स्थान इन 16 पदार्थों को मानते हैं, तथापि दोनों दर्शनों में विरोध नहीं है। न्याय और वैशेषिक दर्शन समान तंत्र हैं, दोनों के उद्देश्य समान है, दोनों ही निःश्रेयस प्राप्ति को अपना चरम लक्ष्य मानते हैं। दोनों दर्शनों का वर्ण्य विशेष विषय भी लगभग समान है। अतः ईश्वर आत्मा मन पृथ्वी जल वायु और अग्नि के परमाणुओं देख काल और आकाश के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय नामक 6 तत्वों को न्याय ने वैशेषिक से लिया है। न्याय में प्रमाण मीमांसा पर अधिक आग्रह है और वैशेषिक में पदार्थ मीमांसा पर। दोनों ही प्रमाण एवं पदार्थ मिलकर पूर्णता को प्राप्त करते हैं, क्योंकि बिना प्रमाण ज्ञान के पदार्थ ज्ञान संभव नहीं है और पदार्थ ज्ञान के बिना प्रमाण ज्ञान की उपयोगिता भी निरर्थक है। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान तथा शब्द इन 4 प्रमाणों को न्याय दर्शन मानता है, किंतु वैशेषिक केवल प्रत्यक्ष और अनुमान इन्हीं 2 प्रमाणों को मानता है। इनके अनुसार शब्द प्रमाण अनुमान में अंतर्भूत है। न्याय दर्शन के मत में समवाय का प्रत्यक्ष होता है, वैशेषिक के अनुसार इसका ज्ञान अनुमान से होता है। न्यायिक असिद्ध विरोध अनेकांतिक प्रकरण सम तथा कालात्य अपदिष्ट ये 5 हेतुभास मानते हैं, किंतु वैशेषिक विरोध असिद्ध तथा संदिग्ध 3 हेतुभास मानते हैं। न्यायिकों के मत में पुण्य से उत्पन्न स्वप्न सत्य और पाप से उत्पन्न स्वप्न असत्य होते हैं, किंतु वैशेषिक के मत में सभी स्वप्न असत्य हैं। इस प्रकार ये दोनों शास्त्र कतिपय सिद्धांतों में भिन्न भिन्न मत रखते हुए भी परस्पर संबंध है। इसके अन्य सिद्धांत परस्पर लागू होते हैं।